सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था ये केचप से और चटनी से। केचप जो है ना इमली वाला केचप है, बहुत मज़े का है ये चटनी। और फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। तो एक टमाटर भी दे रही हूँ और इसमें मैंने ना थोड़ा सा तेल जो है लगा दिया है, जिससे पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोग तेल लगाते हैं। अच्छा, जब बैंगन का जब भरता होता है उसमें तेल क्यों लगाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे पता नहीं है। वैसे लोग लगाते हैं, इस वजह से मेरे को भी लगाना पड़ता है। और इसमें कुछ ना लहसुन की कलियाँ और कुछ हरा मिर्च मैं इंसर्ट कर दे रही हूँ। और मैंने बीच से ना चीरा भी लगाया है, क्योंकि ना मेरे को देखना था इसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं है। तो इसमें कीड़ा नहीं था, बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। और फिर मैंने टमाटर को जो है ना जलाने के लिए छोड़ दिया था, टमाटर वो मोस्टली जल गया था, बन गया था और यहाँ पे मैं और मेरी दादी जो है ना वो साग को थोड़ा सा साफ़ कर ले रहे हैं। तो दादी ने भी बहुत अच्छा हेल्प करके दिया है और बस कट भी कर दिया था, फिर मैंने धोया बहुत अच्छे तरीके से। और इसको मैं बनाने वाली हूँ लहसुन से। मेरे साथ अभी हो रही थी थोड़ी आर्गुमेंट्स, अब मैं इसका कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरे साथ रोज़ ही ऐसा होता है, रोज़ ही झगड़ा होता रहता है हम दोनों के बीच में। अब कुछ कह नहीं सकते, हमसे झगड़ा करना आर्गुमेंट्स करना लोगों की फितरत है। एंड अब जो है ना इस चिमटी से हमने काफ़ी अच्छे से इस छिकले को निकाल दिया है। और मैं साइड में ना थोड़ा सा साग भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक चीज़ से ना होता नहीं है, इसलिए मैं साग बनाने वाली हूँ। तो लाल साग में ना मैं फिर से थोड़ा सा हल्दी डालने वाली हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि साग में हल्दी कौन डालता है, मैं डालती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। मैं अगर हल्दी डालूँ तो आप लोग साग में हल्दी मत डालिएगा, क्योंकि मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा ही काम करती हूँ और आप लोगों के साथ ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर मैं डालती हूँ तो आप प्लीज़ मत डालिएगा। और इधर जो है ना टमाटर और मेरा बैंगन जो है बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ प्याज छोटे छोटे क्यूब में कट करके। और माधव देखो अभी जो है ना थोड़ा कार्टून देख रहा है, अभी कौन सा कार्टून देख रहा है घर बना बना के। और ये ऐसे ना टॉयलेट करता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा बच्चा है, इसको हम इतना मना करते हैं फिर भी ये ऊपर जाके ही टॉयलेट करेगा। और मैंने ना ये बैंगन टमाटर को ना बहुत अच्छे से मैश कर लिया है, और जो लहसुन था वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। तो इसको हम ना अब थोड़ा सा हरा मिर्च और नॉर्मल प्याज से ना थोड़ा मिक्स मिक्स करेंगे अपने हाथों से। और मेरा हाथ इतना जल रहा था ना जब मैंने ये मिर्च को थोड़ा सा मैश किया, और मेरा बहुत हाथ जल रहा था, क्योंकि मैं ना ये मिर्च बहुत कम ही मतलब मिक्स करती हूँ अपने हाथों से, मुझे पसंद नहीं है, मेरा हाथ बहुत जलता है। मैंने इसमें थोड़ा सा कच्चा तेल भी डाला है। अब हमारा बैंगन का भरता बनके रेडी हो गया है। आई नो कि आप लोग अलग अलग तरीके से खाते हो, बट हम भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से खाते हैं। बैंगन का भरता ना बहुत तरीके से बनता है, तो मेरे को जो ईजी लगा मैंने वैसे ही बनाया, इसलिए आप लोग प्लीज़ जज मत कीजिएगा कि ऐसे बनता है बैंगन का भरता। हाँ, मेरे लिए ऐसा बनता है, शायद आपके लिए थोड़ा अलग बने, बट मेरे लिए दो तीन तरीके का और भी बनता है, मैं आप लोगों के साथ बाद में फिर से शेयर करूँगी। अभी मुझे जो इजी लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये हमारा साग जो है बनके रेडी हो गया है। और आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।